আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى الكعبة عبادة والنظر في المصحف عبادة والنظر إلى العالم التقي عبادة والنظر إلى الوالدين عبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार ताइफ में, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, मुअज्जज और मोहतरम उलमाए किराम, मैंने आपके सामने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और आपकी एक हदीस शरीफ पढ़ी जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चार चीजें ऐसी हैं जिनका देखना भी इबादत है। आप जानते हैं कि इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसको सवाब मिलता है और कोई बुरा काम करता है तो उसको गुनाह मिलता है, लेकिन ये सवाब जब मिलता है जबकि आदमी उस काम को कर लेता है, आदमी को नमाज का सवाब मिलता है लेकिन जब मिलता है जबकि आदमी नमाज पढ़ लेता है, रोजे का सवाब मिलता है लेकिन जब आदमी रोजा रख लेता है, हज का सवाब मिलता है लेकिन जब आदमी हज कर लेता है, जकात अदा करने का सवाब मिलता है लेकिन जब आदमी जकात दे देता है, कुरान करीम की तिलावत का सवाब मिलता है लेकिन जब आदमी कुरान करीम की तिलावत कर लेता है,
लेकिन हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि चार चीजें ऐसी हैं कि उनकी तरफ सिर्फ देखना भी इबादत है। आदमी कुछ करे या ना करे, उन चार चीजों को देख ले तो देखने की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब इनायत फरमाया करते हैं। मुख्तसर से अंदाज में वो चार चीजें आपके सामने बयान करके मैं रुखसत होता हूँ, इसलिए कि दीगर उलमाए किराम और हमारे शायर इस्लाम तशरीफ रखते हैं, इंशाल्लाह इनका कलाम हमें दोबारा सुनना है और अपने उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफीद होना है। पहली चीज हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अन्नज़रु इलल काअबति इबादतुन, अल्लाह के मुकद्दस घर यानी काअबतुल्लाह को देखना भी इबादत है। जिसकी तरफ रुख करके हम नमाजें पढ़ते हैं, जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो अल्लाह का मुकद्दस घर है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी काबे की तरफ सिर्फ प्यार भरी नजर से देख भी ले तो देखने की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाते हैं। इबादत करना तो बहुत बड़ी बात है। कोई काबे के अंदर पहुंच गया, वो काबे का तवाफ करता है, काबे में नमाज पढ़ता है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई कुछ भी ना करे, सिर्फ प्यार भरी नजरों से काबे को देखा करे तो देखने पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाते हैं। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि काबे तक पहुंचना तो हर एक के बस की बात नहीं है। अभी हमारे भाई मौलाना रिहान ताबिश साहब ने बतलाया, सिर्फ दौलत से नहीं होती हरम में हाजरी, हक ताला ने जिसे चाहा उसे पहुंचा दिया। तो काबे तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए सामान करना पड़ता है, पता नहीं मंजूरी आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं इतने पैसे होंगे भी कि नहीं होंगे, और फिर पता नहीं आदमी हादसात से बच के मक्के में पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। मेरे भाइयों, जिस तरीके से काबे को देखना इबादत है, मेरे रब की कसम, अगर तुम प्यार भरी नजरों से, मोहब्बत भरी नजरों से काबे की बेटियों को यानी मस्जिदों को प्यार भरी नजरों से देख लो तो अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों को देखने की वजह से भी सवाब अता फरमाता है। अब हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी है कि हम मस्जिदों के पास से गुजर जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इन मस्जिदों को देखना भी इबादत है। तो इसलिए आज से नियत करें, जहां से भी हमारा गुजर, जिस मस्जिद के पास से भी होगा, एक प्यार भरी नजर हम मस्जिद पे जरूर डालेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ देखने से हमें सवाब अता फरमाए। मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद के इंतजाम में मशगूल होना, मस्जिद का ताउन करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ कि अगर आदमी प्यार भरी नजरों से देख भी ले तो देखने पर भी अल्लाह तबारक व ताला सवाब अता फरमाते। दूसरी चीज हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अन्नज़रु फिल मुसहफ इबादतुन, कि अल्लाह के मुकद्दस कलाम और कुरान करीम की जानिब देखना भी इबादत है। मगर अफसोस की बात है कि अल्लाह का मुकद्दस कलाम, जिसको देखना भी इबादत, जिसको पढ़ना भी इबादत, जिसको सुनना भी इबादत, जिससे मोहब्बत रखना भी इबादत, आज हाल ये है कि वो हमारे घरों में जुजदान में लपेट के बंद करके रख दिया जाता है, और कभी कोई मौका हुआ तो पढ़ लिया, कभी किसी का इंतकाल हुआ तो कुरान खानी करा दी, उसके अलावा हमें फिक्र नहीं है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, मेरी बख्शिश का हर एक सामान मेला हो गया, इससे बढ़कर बदनसीबी और क्या होगी मेरी, रखे रखे ताक में जुजदान मेला हो गया। नौबत ही नहीं आती कुरान करीम पढ़ने की, किसी का इंतकाल हुआ तो कुरान को सिर्फ ईसाल सवाब या कुरान खानी के लिए हमने समझा हुआ है। हालांकि मेरे भाइयों, अच्छी बात है, किसी का इंतकाल हो जाए, ईसाल सवाब के लिए भी कुरान का पढ़ना बेहतर है, लेकिन सिर्फ ईसाल सवाब के लिए तो कुरान नाजिल नहीं किया गया था। हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो सारे आलम के लिए हिदायत बना के नाजिल किया गया था। बहरहाल मेरे आका फरमाते हैं कि कुरान की तरफ सिर्फ देखना भी इबादत है, पढ़ना तो बहुत बड़ी इबादत, सुनना तो बहुत बड़ी इबादत, पढ़ने वालों से मोहब्बत करना तो बहुत बड़ी इबादत, और क्यों ना हो, ये अल्लाह का वो आखिरी कलाम है, ये अल्लाह का वो मुकद्दस और मुबारक कलाम है जिसके बारे में हमारे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
23 साल के अरसे में जब इस मुकद्दस और मुबारक कलाम को अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, तो इस कुरान करीम को जिन लोगों ने अपनाया अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया की भी कामयाबी अता फरमाई, आखरत की भी कामयाबी अता फरमाई। हाँ हाँ, इस कुरान ही का तो फैज था जिसने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, जिसने उमर को फारूक बना दिया, जिसने उस्मान को जुन्नूरेन बना दिया, जिसने अली को हैदर कर्रार बना दिया, जिसने खालिद को सैफुल्ला बना दिया, जिसने अबू उबैदा को अमीनुल उम्मत बना दिया, जिसने आयशा को सिद्दीका बना दिया, जिसने उस मुआशरे को जिसको जाहिल कहा जाता था, बद्दू कहा जाता था, रदी अल्लाहु अन्हुम रजू अन्ह का खिताब दिला दिया और उनको सहाबा बना दिया। मेरे भाइयों, जो भी कुरान करीम से मुतालिक हुआ, जो भी कुरान करीम से मुनसलिक हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे दुनिया में भी नवाजा और अल्लाह तबारक व ताला उसे आखरत में भी नवाजेंगे। और इससे बढ़कर नवाजना और क्या होगा कि मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर तुम कुरान के ऊपर मोहब्बत भरी नजर डाल लो तो सिर्फ नजर डालने पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। इस मुनासबत से मुझे एक मुख्तसर सा वाकिया याद आया, मैं उसको बयान करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक बुजुर्ग थे, वो बेचारे पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत थी। हमारे बहुत से पुराने बड़े बूढ़े इस तरह के हैं जो पढ़ना नहीं जानते मगर उनके दिलों में कुरान की मोहब्बत है, उनके दिलों में कुरान का इश्क है। तो ये अल्लाह का बंदा भी कुरान से मोहब्बत रखता था, कुरान का इश्क रखता था, कुरान को पढ़ना नहीं जानता था। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद बावजू होकर के कुरान को खोल के बैठता था और कुरान के ऊपर हर सतर पे उंगली फेरता था और कहता था ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। इसी तरीके से शुरू से लेके आखिर तक कुरान करीम को मुकम्मल कर लिया करता था। कैसे लोग थे। जब इसका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, मालूम किया कि भाई तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहने लगा, मेरे पास तो कोई अमल नहीं था जो मेरी बख्शिश का सामान बन सकता, लेकिन मेरे रब ने फरमाया, मेरा रब बड़ा हलीम है, बड़ा करीम है, उसने कहा कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरे कलाम को, मेरे कुरान को मोहब्बत भरी नजरों से देखा करता था, जा बस इसी वजह से हमने तेरी मगफिरत कर दी। अल्लाह ताला तो नुक्ता नवाज है, नुक्तों पे नवाजने वाला है, अल्लाह को कौन रोक सकता है। तो मेरे भाइयों, कुरान करीम से मोहब्बत करो, कुरान करीम से इश्क करो, उसे पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ना नहीं जानते तो कम अज कम मोहब्बत के साथ बावजू होकर के उसे एक दफा देख ही लिया करो, देखने से भी सवाब मिलता है। तो ये दो चीजें हुई जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि इनको देखना भी इबादत, काबे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत। और तीसरी चीज हमारे आका ने बतलाई, النظر الى العالم التقي عباده, कि कोई नेक और परहेजगार आलिम हो उसको देखना भी इबादत है। उनकी ज्यारत करना, उनसे मुसाफा करना, उनकी बातें सुनना, उनकी मजलिसों में बैठना, ये तो कितनी बड़ी इबादत होगी इसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हमारे नबी तो फरमा रहे हैं कि परहेजगार आलिम के चेहरे की ज्यारत करना भी सवाब है। शर्त यह है कि परहेजगार होना चाहिए। परहेजगार का क्या मतलब है? परहेजगार का यह मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला होना चाहिए। एक आदमी था, उसका इंतकाल हो गया, उसके पास कोई नेकी नहीं थी। ध्यान से सुने मेरे दोस्त, तवज्जो के साथ सुने, शायद यह बात किसी के काम आ जाए। उसके पास कोई नेकी नहीं थी। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों से कहा कि देखो, जरा देखो इसके नामा अमाल में शायद कोई नेकी हो। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, इसके नामा अमाल में तो कोई नेकी है ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, शायद किसी आलिम से दोस्ती रखता हो, उसकी मजलिस में हाजिरी देता हो, उसके पास आता जाता हो। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये अल्लाह का बंदा कभी किसी आलिम के पास गया ही नहीं, किसी आलिम की मजलिस में बैठा ही नहीं। जहां भी आलिमों की मजलिस शुरू हुआ करती थी वहां से उठ जाया करता था,
दुनिया की मजलिसों में ज़ौक़ शौक के साथ हाजिरी देता था, मगर दीन की मजलिसों में कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। जैसा आजकल हमारा हाल है कि दुनिया की कोई मजलिस मुनाकिद हो जाए, नाच गाने और ढोल ताशे की कोई मजलिस मुनाकिद हो जाए तो हमारा नौजवान एक पैर पर खड़ा होकर पूरी पूरी रात गुजार देता है, मगर जब ये दीन की मजलिसें मुनाकिद होती हैं तो देखो किस तरीके से जतन करके लोगों में देख रहा हूँ, बेचारे सुबह से बोल रहे हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें तौफीक दी वही आ सके। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कोई दुनिया का प्रोग्राम होता तो मुझे ये कहने में कतन कोई बाक और तामुल नहीं है कि हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर बस्ती का बाशिंदा अपनी मसरूफियात को तर्क करके, अपनी मशगूलियतों को आगे पीछे करके वहां जरूर हाजिरी देता। ये हमारा हाल है। बहरहाल तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये किसी आलिम से मोहब्बत भी नहीं रखता था और किसी आलिम की मजलिस में हाजिरी भी नहीं देता था। हाँ लेकिन एक बात है, एक आलिम थे, उन आलिम के एक दोस्त थे और उस दोस्त के भी एक दोस्त थे। ये उस आलिम के दोस्त से दोस्ती रखता था। और क्यों रखता था? महज इस वजह से रखता था कि भाई ये उस आलिम का दोस्त है एक वास्ते से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि अच्छा ये आलिम के दोस्त से दोस्ती रखता था, जाओ इतनी बात तो काफी, हमने इसकी मगफिरत कर दी। अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है मेरे भाइयों। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया नज़र इला आलिम तकी इबादत, के नेक और परहेजगार आलिम की तरफ देखना भी इबादत है। ये तीन बातें तो मैंने ज़िमनन अर्ज कर दी, चौथी बात जो मुझे असल अर्ज करनी है वो ये है, हज करना बहुत मुश्किल है, काबे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कुरान को पढ़ना पढ़ाना भी हर वक्त आसान नहीं होता, आलिमों की ज्यारत भी हर वक्त नसीब नहीं होती, लेकिन चौथी चीज हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बताई, इतनी अच्छी बताई, जो हर जगह मिलती है, हर एक को मिलती है, हर घर में मिलती है, मगर हम उसकी कोई कदरदानी नहीं करते। मेरे आका ने फरमाया अन नज़रु इलल वालिदैन इबादतुन, ए मेरी कौम के लोगो, ए मेरी उम्मत के लोगो, सुनो सुनो, जिस तरीके से काबे को देखना इबादत, जिस तरीके से कुरान को देखना इबादत, जिस तरीके से आलिम के चेहरे को देखना इबादत, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, इसी तरीके से अपने माँ बाप के चेहरों को देखना भी इबादत। और माँ बाप की दौलत तो अल्लाह तबारक व ताला हर एक को अता फरमाता है, मगर उसकी कदरदानी नहीं होती। हम कितनी मरतबा अपने घरों में जाते हैं लेकिन कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप हैं जिनको देखना इबादत है। मेरे भाइयों, और इबादत भी कैसी, छोटी मोटी नेकी नहीं। आपने फरमाया मामिन वलदिन बारदिन यंजुरु इला वालिदैही नजरत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जतन मबरूरा। कोई फरमा बरदार औलाद जब अपने माँ बाप की तरफ एक मरतबा प्यार भरी नजर से देख ले तो अल्लाह तबारक व ताला एक मरतबा देखने की वजह से एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सहाबाए किराम ने पूछा वही नजरों में अतमर्रतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, माँ बाप तो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, हम दिन रात में 100 मरतबा आते जाते हैं, अगर हम 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरों को देखें तो क्या हमें 100 हजों का सवाब मिलेगा? आपने फरमाया नाम अल्लाह अकबर व अतियब, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम 100 दफा देखोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें 100 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह के खजाने में कमी कोई नहीं आएगी। ये माँ बाप का मकाम है, मगर अफसोस है माँ बाप के इस मकाम से आज के दौर में जो बेएतनाई बढ़ती जा रही है वो हमारे सामने है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता। सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल कोई अलामत ही बतला दीजिए। आपने फरमाया जब माँ बाप को जलील किया जाने लगे तो समझ लो कि कयामत आ जाएगी। और क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे हर शहर में, हमारे हर गांव में, हर बस्ती में, हर महल्ले में, हर घर में माँ बाप को जलील किया जा रहा है, माँ बाप के साथ
तोहीन आमेज बर्ताव किया जा रहा है। अरे वो माँ जिसने तुझे अपने पेट में रखा, जिसने तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया, जिसने तेरे लिए अपनी राहत और आराम को कुर्बान कर दिया, वो बाप जिसने तेरे लिए अपनी कमर पे कभी बोरा उठाया, कभी बोझ उठाया, कभी ठेला खींचा, कभी रक्षा चलाया, कभी मेहनत मजदूरी की, अपना खून पसीना एक करके तुझे उसने पढ़ाया लिखाया, तेरी परवरिश की, तेरी तरबियत की। आज जब तू जवान हो गया तो तू उसे गालियां देता है, तू उसे धक्के देता है, तू उसका गिरेबान पकड़ता है, तू उसकी पगड़ी उछालता है। अल्लाह तबारक व तआला की जमीन गजब से फट क्यों नहीं जाती जब ये नौजवान अपने माँ बाप की बेहुर्मती करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, उन्होंने आके कहा कि अल्लाह के रसूल मैं कुछ पैसे कमा के लाया था, मैंने उनको ला के घर में रख दिया, मेरे बाप ने बगैर इजाजत के वो पैसे उठा लिए। आपने फरमाया तो गलत है, बगैर इजाजत के क्यों उठाए, बगैर इजाजत के तो नहीं उठाने चाहिए थे, जब तुम कमा के लाए तो कम अज कम तुमसे पूछ लेना चाहिए था, जाओ उनको बुला के लाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बाप को बुलाने के लिए एक कासिद को भेज दिया। मेरे दोस्तों ध्यान के साथ सुनने की बात है, अल्लाहु अकबर कबीरा, पैगंबर के जमाने का वाकिया है। सहाबा उनको बुलाने के लिए गए उनके बाप को कि आपको अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों बुला रहे हैं, बतलाया गया कि आपके बेटे ने आपकी शिकायत की है। ये बात सुनकर के बाप की आंखों में आंसू आ गए, मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है। और उन्होंने कुछ अशआर कहे अपने दिल दिल में, अरब के लोग बड़े शायर होते थे, फौरन अशआर कह देते थे, दिल दिल में अशआर कहे जबान पे नहीं आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब उनसे कुछ पूछना चाहते थे उससे पहले ही हजरत जिब्रील आ गए और हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप इनका जो फैसला करेंगे कर देना, लेकिन पहले जरा इनसे ये पूछ लो कि इन्होंने कौन से अशआर कहे। अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा, उन सहाबी के बाप से, कि भाई जब तुम आ रहे थे रास्ते में तो तुमने कुछ अशआर कहे। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपको कैसे पता चला, अभी तो मैं उनको जबान तक भी लेके नहीं आया, सिर्फ मेरे दिल में है, मैं जानता हूं और मेरा अल्लाह जानता है, आपको कैसे पता चल गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए से बतला दिया कि तुमने कुछ अशआर कहे हैं, वो अशआर मैं भी सुनना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है सुनाओ। उन्होंने सुनाए, غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني إليك وتنهل إذا ليلة نابتك بالشكم لم أبدي لأجلك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أومل جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجاهل